नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमस्कार अरहंत को काटो सभी कलेश जय जय माता भारती सो जय जय भारत दे आज सुमिरण कर की महामाया को उनिया रहत को हृदय बसाई कहूं कहानी वीर सपूती की पद को जइयो ज्ञान बताए ये मात गौतमी को सुमिरत है हो ये मात गौतमी को सुमिरत है काली नदिया के मैदान और पांच घड़ी को मठिया तज के जननी कंठ बैठ जाए कौना भूल पर आला में सुर को जइयो ज्ञान बता ये मात सुजाता को सुमिरत है हो और मात सुजाता को सुमिरत है जननी दीजो ज्ञान बता यादव वंश की मात भवानी अज असने में हो सहा और सुमिरण कर के मात पिता को जिनकी को खी जन्म लया और पूजी गुरुदेव श्याम सुंदर जी के तो पद कमलन में शीश नवा नगर एक अटिया है जाम शेर ने ले अवतार और साकी वंश के अल बेले हैं तो हरिवंश सिंह नाम कहला और ये उनने रक्षा करी है देश की सेवा में दीने हैं प्राण गमा और पावन इतिहास उन्हीं को पीरन ओम वीर तुम कौन रहे हैं समझा
माया जी के लाल ज्ञान निकमो को दे दियो। ए मौका दे जइयो आदर के पात्र सम्मानित हमारे समस्त बुजुर्ग माताएं एवं बहने, इस भारत की पवित्र भूमि पर जन्म ग्रहण करने वाले नौनिहाल इस देश के कर्णधार बच्चे, आज हम आप लोगों के बीच माननीय हरवंश सिंह कुशवाहा जी का जीवन परिचय लेकर के चल रहे हैं। ये सुनकर के आप लोगों को विदित होगा कि किस प्रकार से वीर हरवंश सिंह जी ने अपने प्राणों को न्यौछावर इस देश के रक्षा के प्रति किया और समस्त श्रोता बंधु जानते हैं कि जब जब हमारे देश भारत पर नक्सलवादी, माओवादी एवं क्रांतिकारियों ने आकर के जब जब भी अपना पैर रखा है तो यहाँ के वीर सिपाहियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। सुनेंगे आप ये शेर कहाँ के रहने वाले थे, इनकी माता पिता का क्या नाम था और इन्होंने देश के प्रति अपने प्राणों को कैसे न्यौछावर किया, तो आ जाइए मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों। ये भी बता दें हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं रिंकू बौद्ध, महबूदपुर के रहने वाले हैं। चिमटे पर संगति कर रहे हैं बेपन मस्ताना, पृथ्वीपुर के रहने वाले हैं। और घड़े पर हमारा साथ दे रहे हैं गजेंद्र। और ये पेशकश आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट कंपनी की सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही है। विशेष सहयोग ललित कुमार शाह के छठगमा वालों की तरफ से है। हमारे साथ में ललिता बौद्ध भी इस समय उपस्थित हैं, तो आ जाइए मेरे भाइयों। आज पावन नगर ग्राम अटिया गाथा तुम्हें रहे बतलाई, हाथन पोस्ट जिला कन्नौजन सुंदर नगर रहो तो दिखलाए। ए साकी वंश की पावन नगरी हो, ए साकी वंश की पावन नगरी रहे ओम वीर तुम्हें समझा। और पाही नगर में राजा राम जी अपनो रहे समय बिताए। मेरे नौजवान साथियों, पावन नगर अटिया जो कि छिबरा मऊ के करीब पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, पोस्ट हाथिन की ये कहानी है। यहाँ पर राजा राम शाक्य जी अपना समय बिता रहे हैं।
उनकी पत्नी का नाम रामा देवी है, उन्हीं के गर्भ से हरिवंश जी का जन्म हुआ। कैसे हुआ? ए आतिन पोस्ट जिला कन्नौज में सुंदर नगर यतिया रे दिखनोय, और वही नगर में राजा राम जी अपनो रहे हैं कस में बिला। उनकी पत्नी सुंदर रूप न पर नौ जाए लला विपन, और बड़ी खुशहाली है रे घर अंदर पावन गौ है समय बुआ। और क्या हुआ? और 7 अगस्त 1978 मोदी जन्मो कुमर गया रिंकू, अरे जन्म भव है के जब बेटा को तो खुशियां नहीं है नगर में। आज जैसे ही शेर ने जन्म लिया है नगर निवासी सभी प्रसन्न हो गए। इतना ही नहीं मेरे भाइयों, और क्या हुआ? ये मंगल गीत भैर अंगना में माता पिता रे खुशी मना काए काए, और सुंदर रूप बनो है बेटा को छबिना जात की परनी जा। उसी समय माता पिता ने विद्वान बुला लिए, और क्या हुआ भैया ललित? और राम जी राव विद्वान बुलाए नामकरण तीनों है करवा। हरिवंश सिंह के नाम धराओ तीरन ध्यान के बिसर नहीं। आज मैया ने जैसे ही अपने पुत्र को निहारा है कलेजे से लगा लिया, होठों को चूम रही है, माँ कह रही है बेटा बहुत ही सुंदर मेरे आंगन में खिलौना आया है। और क्या हुआ? ए धीरे धीरे पालन कीना रही छाती को दूध पिला, पावन भूमि ग्राम अतिया की तो जामे शेर धरे हैं अपना। आज धीरे धीरे
हरिवंश कुशबाजी जब सयाने होने लगे हैं, जैसे ही 5 वर्ष की आयु हुई वैसे ही क्या हुआ, और 5 बरस की भाई उमरिया विद्यालय में दो पठुआ, और हाई स्कूल की परीक्षा पाई होरी लाल कॉलेज में जाए, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है होरीलाल इंटर कॉलेज छिबरामऊ में, और हाई स्कूल करने के बाद में मन में विचार आया और क्या हुआ, और उसके बाद में मन में सोची इंटर करे संकिशा जाए, और पावन नगरी के पोती तीर्थ है शिक्षा दीक्षा के सब मिल जाए, और लला रिंकू अरे पड़े तेजसी हर पड़े में कछु तारी फकरी न जाए, अरे चिट्ठी पड़े सुभाव के बेटा तो ना काहू से कतनिक डरा, नौजवान साथी हरवंशी पुष्पा जी शुरू से ही निडर रहे, इतना ही नहीं उनके समक्ष कोई भी शेर आकर के बराबरी नहीं कर सकता है, लाल इंटर कॉलेज से ये हाई स्कूल करने के बाद जब संख्या में आए तो बड़े धैर्य के साथ में शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं, स्वभाव के बड़े जिद्दी थे, गलत बात सुनना तो दूर, सेना भी पसंद नहीं करते थे, क्या हुआ, और जब इंटर की भाई है परीक्षा हो, जब इंटर की भाई परीक्षा लीनी प्रथम श्रेणी पाए, और शादियों की भय हरिवंश रिश्ता रहे हैं घर में आए, साथियों जिस समय इन्होंने इंटर की परीक्षा को पास किया है उसी समय घर में रिश्ता आने लगे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, आप लोगों को पता है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ग्राम सठगमा यहां के श्री उमेश चंद्र शाक्य जी की पुत्री जिनका नाम अनीता शाक्य है, वो जब रिश्ता लेकर के आए तो क्या हुआ,
पहुंचे नगर इंडिया में जा। और उनकी पुत्री अनीता सा क्या रूपे और गुण नहीं पर जा। जैसे ही उमेश चंद्र जी माननीय राजा राम जी के पास में पहुंचे हैं रिश्ता लेकर के, तुरंत ही रिश्ता मंजूर कर लिया गया। और क्या हुआ है, जाकर के उन्होंने अधीनता की और कहा कि हमारी बेटी बड़ी सुंदर रूप और गुणों की खानी है, उसका नाम मनीता है, क्या बोले हैं। और बड़ी सुशील हृदय की भोली श्रोता सुनियो ध्यान लगा। और 10 फरवरी 1992 शादी की रस्म में नहीं करवा। फरवरी 1992 को बहन अनीता के साथ में हरिवंश सिंह कुशवाहा जी का जीवन का गठबंधन शुरू हुआ है। शादी होने के बाद में विदाई हुई, धीरे धीरे समय बीतने लगा और क्या हुआ, भाग्य अनीता सा क्या और आगे के सुनो हवाल। 2004 1 जून को ज्वाइनिंग मिली नखलऊ में जा। नौजवान साथियों, 2004 1 जून को हरिवंश सिंह जी को नखलऊ में जाकर के ज्वाइनिंग मिल गई है। उसके बाद में क्या हुआ, और नागपुर में ट्रेगन की पोस्टिंग श्रीनगर में। समय बिताओ रक्षा करी देश की जान। उसके बाद में जब ट्रांसफर हुआ है तो कहां पहुंचे हैं बेटा रिंकू। पर भव है तो पहुंचे आधा पल्ली जा। ट्रांसफर होने के बाद में आधा पल्ली में पहुंच जाते हैं और क्या हुआ, भैया हरिवंश सिंह कुशवाहा जी अपनो समय बिताए रहे हैं। अब जे हरिवंश सिंह कुशवाहा जी अपनो समय बिताए रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों,
माननीय हरबंस सिंह कुशवाहा जी भर्ती होने के बाद में उन्होंने नखलऊ में ज्वाइनिंग प्राप्त की। नागपुर में ट्रेनिंग करने के बाद दंतेवाड़ा बीजापुर में जब ट्रांसफर हुआ है, आबापल्ली छत्तीसगढ़ में पहुंच गए हैं, तो क्या हुआ है? आज दंतेवाड़ा आया बापुर में ट्रांसफर पर भाव बिरन मेरे आई देर नकिनी है तो शेरन पहुंचे बीजापुर में जाई बीजापुर में दहशत भारी जंगल भारी पड़त दिखाई बेटा विपन छत्तीसगढ़ के मैदान में वीरान बिहार जंगल दिखाई दे रहे हैं। जब वहां पर सेठ शेर की पोस्टिंग हुई तो क्या हुआ? ए नक्सलवादी और घुसपैठी हो नक्सलवादी और घुसपैठी माओवादी रहे दिखाई बड़ी लगन से मेहनत कीनी अपनी ड्यूटी रहे निभाई ऐसे शेर हैं कुशवाहा जी कोई दहशत जी ने काली पीना बड़ी मेहनत के साथ में उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया है। उसी समय क्या हुआ? जैसे ही समय आया है 8 जुलाई को जब उन्हें छुट्टी मिल गई तो जरा भी देर नहीं हुई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे वीर जवान सीमा पर तैनात रहते हैं जब घर से छुट्टी आती है तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और क्या हुआ? ए 8 जुलाई की छुट्टी मिल गई मन में खुशी हर बंस हुई और छत्तीसगढ़ से मेरे भैया लैटिया की हाई सूझ लगा जैसे ही अटिया के लिए प्रस्थान किया है जैसे ही पहुंचे हैं माता पिता ने देखा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और आई के मिले तुरंत भैयन से माता पिता रहे खुशी मना अरे मीठा लेता हाथ तन फेरे फूल के दीपक के लला हमार बेटा विपन जिस समय फौजी घर पर आता है तो माता पिता को कितनी खुशी होती है।
मैया ने अपने लाल को कलेजे से लगा लिया। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी इष्ट मित्र दोस्त भाग करके पास में आ गए। बड़ा ही सुनहरा अवसर आया, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था आगे क्या होने वाला है। और एक महीना के सुख से भी तो बाद में दो फोना है। और जगत नारायण तिवारी जी ने करे आदेश लो है बुलवा। मेरे नौजवान साथियों, एक महीना सकुशल बीतने के बाद में उनके अधिकारी जगत नारायण ने उन्हें वापस बुला लिया है। जरा भी देर नहीं हुई, तुरंत ही तैयार होकर के जब छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं, क्या हुआ? जगत नारायण ने पास बुला करके उन्हें आदेश दिया और कहा, सुनो, शंका जाने पड़त जंगल में नक्सल बादी पड़त दिखा। और लेखपाल जो उनके साथी उनको लीनो है संग लगा। साथियों, आज जैसे ही उनके अधिकारी जगत नारायण तिवारी ने उन्हें आदेश दिया और कहा, जाओ, सूचना आई है छत्तीसगढ़ के वीरान जंगल में नक्सलवादी दिखाई दे रहे हैं, तो अधिकारी का सुझाव टार न सके, तुरंत ही तैयार हो गए। अपने साथी लेखपाल को अपने साथ लेकर के आज अटिया के शेर हरबंश सिंह कुशवाहा जी चले हैं। और कैसे चले? कई